अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। कविराज कहते हैं कि जैसा दिखता है वैसा ही जीव ग्रहण करता है, वो उद्गल का स्वभाव है। क्या है? उद्गल का स्वभाव। तो देखना और ग्रहण करना, ये क्या है? क्या हम जैसा देखते हैं वैसा करते हैं? नहीं, सीखते हैं, बाद में बीज डालते हैं, फिर क्या आता है? तो आज जो दिखता है वो आज हम करते नहीं है। हम तो पद गा लेते हैं, मीनिंग नहीं मालूम। गीता पढ़ लिया, मीनिंग नहीं मालूम। आगम पढ़ लिया, मीनिंग नहीं मालूम। रामायण पढ़ लिया, मीनिंग नहीं मालूम। मीनिंग नहीं मालूम। तो कहने का मतलब यह है कि हर बातों का मीनिंग हमको मालूम होना चाहिए। और यही मैंने कहा ना कि जो सॉफ्टवेयर मिस्टेक कहाँ होती है, कोई भी बात समझने में मिस्टेक सॉफ्टवेयर में होती है। हमको ये करना है, हमको ये करना है, हमको ये करना है, उन्होंने किया तो मेरे को ये करना है, मेरे से क्यों नहीं होता है, ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुदरत क्या कहती है कि यू करेक्ट योर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या करेक्शन करना है? क्या आपको जो करेक्शन करना है, यू आर राइट, यू करेक्ट इट, बट इन अ सॉफ्टवेयर, नॉट इन अ हार्डवेयर। और हार्डवेयर में करेक्शन करना वही डुअरशिप है, इसका नाम अज्ञानता है। एंड दे क्रिएट सो मेनी पजल इन अवर लाइफ। उसमें पहले साइंटिफिक रीजन होना चाहिए कि आखिर हमारी एबिलिटी कहाँ है और कहाँ नहीं है। पहले इतना क्लियर करो। स्पीड की जरूरत नहीं है, परफेक्शन की जरूरत है। क्या है? स्पीड की जरूरत नहीं है, परफेक्शन की। तो कहने का मतलब है हर बात के अंदर पहले सोचो कि हम अपने मन वचन काया से कुछ कर सकते हैं। श्वास भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं, बंद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मन वचन काया चला नहीं सकते हैं। मन वचन काया की जो भुगतान आती है वो संजोग हम खड़ा नहीं कर सकते। हम तो सफरर हैं, हम क्रिएट नहीं करते हैं सुख दुख के संजोग। हम क्रिएट, हम तो सफर है, हमको तो नहीं चाहिए। तो पहले समझो कि इस पैकेज के अंदर और इस पैकेज की अवस्था के अंदर उसमें तीन प्रकार की अवस्था है। एक मन के लेवल की विचारों की अवस्था, एक स्पीच की अवस्था, और दूसरी एक्शन और उसके साथ जुड़े हुए सर्कमस्टेंसेस, वो भी एक्शन है। तुम्हारी एक्शन है या सामने वाले की एक्शन है, तुम्हारी भाषा है या सामने वाले की है। तो ये पूरा पैकेज जो है, ये पैकेज के अंदर कोई जगह पे कुदरत ने हमको फ्रीडम दिया है। पहले ये समझो, तो साइंस समझने के लिए पहले प्रिंसिपल को दृष्टि में पक्का करो। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अगर जहां कर सकते हैं तो फिर ऐसा मत कहो कि मैं करना चाहता हूं फिर होता नहीं है, ऐसा मत बोलो। फिर अगर मन वचन काया के कंट्रोल है तो फिर ऐसा मत कहो कि मेरे को खराब विचार आते हैं। इफ यू आर कंट्रोल देन स्टॉप इट। दो भाषा मत बोलो, कंट्रोल हो भी और नहीं हो भी, ये भाषा नहीं बोलो। दे क्रिएट द पजल। प्रिंसिपल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जबान हम बोल सकते हैं, क्या फ्रीडम है हमारे पास?
कि संजो क्या दिन निकलती है, संजो किसने खड़ा किया? तो पहले समझो, हमको जल्दबाजी नहीं करना है। ये लोअरशिप का मार्ग नहीं हुआ, उन्होंने कर लिया मैंने नहीं किया, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये रिलेटिव ट्रूथ है क्या है। और इसमें सब पड़े हुए हैं कॉम्पिटिशन एंड कंपेरिजन। आखिर वास्तविकता समझने की कोशिश कर, क्या हम बोलने की फ्रीडम हमारे पास है? कई लोग कहते हैं हाँ हम सोच के बोल सकते हैं, हम अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, ऐसा इगोइस्टिक व्यक्ति ऐसा कह सकती है कि हम कर सकते हैं, मगर आपकी हर जबान डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस, इट इज नॉट योर इंडिविजुअल एबिलिटी। जब बच्चे होते तो उनके पास बोलने के लिए पावर करते हैं, सांस होती है तो चुप हो जाते हैं, यू हैव अ नॉलेज बट द वर्ड इज चेंज, यस और नो, योर वर्ड इज डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस और इन योर कंट्रोल। संजो अब समझे, हर बात के अंदर संजोग ही आपका कंट्रोल कर। और संजोग क्यों बना? क्योंकि पिछले अवतार के कर्मों का फल है, तो उसमें चॉइस। राम को भी दीक्षा लेनी थी, बड़े भाई भाभी ने मना कर दिया, नहीं ले सके। संजो मावी मावी को फिर मावी को कान में किला लगाया। संजो चॉइस होती है, कोई भी जगह चॉइस है। राम मावी को जब वार्ने के लिए जाने छह महीने तक योग्य आहार जो उसकी सोच के मुताबिक था, अभिग्रह के मुताबिक, वो नहीं मिला। यानी उसकी चॉइस है, मावी की भी चॉइस है। देखो किसके पास चॉइस है? राम के पास चॉइस थी कि सीता को ले जाए कि ना ले जाए। कृष्ण के पास या अर्जुन के पास चॉइस थी कि मैं युद्ध करूं या ना करूं? किसी के पास कोई चॉइस? तो हमको ये बात समझना है कि हमारे पास चॉइस कहाँ है। ये मन वचन काय में तो चॉइस है ही नहीं, तो फिर इसके लिए ज्यादा से ज्यादा विचार आए वो एक अलग बात है, मगर हमको इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने होकर सोचने की आवश्यकता नहीं। अभी कहते हैं चॉइस नहीं है, आपने कहा हमने माना वो एक बात है, आपके सारे फॉलोअर्स मान लेते हैं, थर्ड पार्टी को इस बात को नहीं मानेगी कि बिल्कुल भी चॉइस नहीं है। आप जो कह रहे हो वो पार्शियली ट्रू है, कुछ मामलों में चॉइस नहीं है, कुछ मामलों में चॉइस है ऐसा हमको लगता है। आप कैसे कहते हैं कि चॉइस नहीं? मेरे को ये सवाल पूछना था, ये बिल्कुल चॉइस है। अब संजोगों के अधीन है तो संजोग के अधीन है, और संजोगों के अधीन दो बात है, मैं पूछूँ और मैं नहीं पूछूँ, यही संजोग है। और फिर भी मेरे को पूछने की इच्छा हुई, मैंने पूछा तो ये मेरे को स्वतंत्रता है। अब राम वनवास नहीं टाल सकते, कुछ चीज़ें नहीं टाल सकते, कुछ उनके अधीन नहीं है, वहाँ उनका जोर नहीं चला, तो कुछ जगह पर जोर चलता है। ये बात अगर इस तरीके से स्वीकार करें तो क्या इतना फिर क्या होगा? उसको प्रिंसिपल नहीं कहेंगे, रिलेटिव ट्रूथ कहेंगे। इसमें ड्यूअलिटी होती है, कर भी सकते हैं, वो प्रिंसिपल नहीं कहेंगे। सिद्धांत के ऊपर फिर ड्यूअलिटी नहीं होती है, और श्रद्धा में रिलेटिव सत्य में ड्यूअलिटी होती है। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो ड्यूअलिटी किसमें होती है? श्रद्धा में, रिलेटिव सत्य में। सनातन सत्य में ड्यूअलिटी नहीं होती। आप प्रिंसिपल पे जाओगे तभी तो समझ में आ जाएगा कि हमारे पास चॉइस है। कुछ कि मैंने पिछले जन्म में जो कॉज डाले उसके हिसाब से मैं भी बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, ये निर्णय बिल्कुल, क्योंकि हर ब्रीथ के साथ आपका मन वचन काया का एक्शन जुड़ा हुआ है, इससे ब्रीथ और लाइफ बना है। लाइफ रैंडम नहीं बना है। मेरे को मिले बड़े बड़े काम करता हूँ, बीच में मेरे को गैप मिलता है,
वहां पे मैं कुछ नहीं कर रहा होता, चुपचाप बैठा वहां पे, चुपचाप बैठू या दो चार शब्द निकालू, उससे गीत की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे तो मेरे को चॉइस मिलनी नहीं होता है ऐसा। हर ब्रीद के साथ आपका सफरिंग जुड़ा है, ब्रीद के साथ ही सफरिंग जुड़ा है, बिना सफरिंग ब्रीद नहीं होते। हर कर्मों के भुगतान के लिए जितना ब्रीद चाहिए वो टोटल ब्रीद आपको पैदा होने से पहले दे दिया इन योर क्रेडिट, और उसका दूसरा नाम है आयुष्य कर्म। क्या है? आयुष्य कर्म। ठीक है, अभी समय समय पे मन वचन काया अपना रोल निभाता है, तो कोई ऐसी समय नहीं है कि जहां मन वचन काया तीनों का रोल ही नहीं हो। इसमें कोई पार्टी ऐसा नहीं है, हम मानते हैं जरूर कि हम रिलैक्स हो गए, वो अवस्था के आदमी जब कोई शारीरिक मानसिक आर्थिक टेंशन नहीं है तो हमको लगता है कि रिलैक्स हो गए, मगर ऐसी अवस्था कोई फ्रीडम वाली नहीं है हर व्यक्ति के पास। तो ये मन वचन काया तो अपने आप ऑटो मोड से चलता रहेगा, इसके पीछे जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है इसके पास फ्रीडम है सोचने की, मगर इसके पास ये मन वचन काया चलाने की या बदलने की फ्रीडम नहीं है, उसके पास इसका कंट्रोल नहीं। वो नया लाइफ बनाने का इंस्ट्रूमेंट है, नया मन वचन काया बनाने का इंस्ट्रूमेंट है, इससे बनेगा वो, ये पुराना डिस्चार्ज होता है, ये मैकेनिकल प्रोसेस है। एवरी ब्रीथ इज टोटली डिसाइडेड विदाउट अवर चॉइस। नया बनाने की भी काफी फील है, जैसे आपने दिया वो ज्ञान मेरे पास में नहीं है, कॉज में डाल रहा हूँ, कोई डाल रहा है, ज्ञानी भी डाल रहा है, ज्ञानी भी डाल रहा है सब, जब कॉज डाल रहा हूँ तो मैं कॉन्शियसली इस तरीके से कॉज नहीं डाल रहा हूँ कि अगले जन्म में मैं जब इंसान बनूंगा तो ये बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा, पैर हाथ ऊंचा करूंगा, ऐसे कमर मोड़ूंगा, ऐसे झगड़ा करूंगा, ऐसे शांत बैठा रहूंगा, ये तो मैंने कुछ विषय किया नहीं, सोचा नहीं, तो ये सब वहां पे भी मैं सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ, कॉज डाल रहा हूँ या नहीं डाल रहा हूँ, कोई और फैक्टर डिटरमाइन कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि क्या क्या मिलेगा। तो एक संयोग को रिजल्ट में लाने के लिए सूक्ष्म संयोग बहुत सारे होते हैं तभी रिजल्ट आता है, वन सर्कमस्टेंसेस नहीं, रिजल्ट मिलना वो आपका अल्टीमेट प्रोसेस कोई भी हो सकती है, और वो भी कुदरती रचना है। जैसे एग्जांपल दो, एक व्यक्ति का 24 दिसंबर शाम को 5 बजे इस जगह पे एक्सीडेंट होने वाला है, ये डिसाइडेड है। ठीक है, इसके लिए जिसको लगना है उसको भी वहां पहुंचाना है वो टाइम से, कैसे भी करके ये खुद से कर, और जिसको लगवाना है उसको भी वहां पहुंचवाना है वो टाइम पे, फिर वो भी मिस्टेक करेगा, ये भी मिस्टेक करेगा और सफल होगा, तो बुद्धि क्या कहेंगे ये दोनों की गलती से हुआ, इसी की गलती या उसकी गलती, कोई कहेंगे मैंने पहले ही कहा था आप घर से बाहर नहीं निकलो तो भी निकले, फिर कहेंगे मैंने पहले कहा था आपको ड्राइविंग आता नहीं फिर क्यों चलाया, तो यार व्यवहार सत्य में से तो लोग कहेंगे, और कुदरत का कानून है जो आपका इफेक्ट लेके आए हैं उनके पूरे संजोग इकट्ठा करें और वो टाइम और वो स्पेस पे ही काम होना है, यही तो कुदरत है एग्जैक्ट, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य का मैनेजमेंट नहीं है ना, मनुष्य का नहीं है, कुदरत का है। आपको आपको अगर $1 million मिलना है तो इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको देना है कुदरत को, क्योंकि आपकी पुण्य है, कुछ भी नहीं करोगे तो भी कुदरत आपको देंगे। ये बड़ी बड़ी चीज है, एक्सीडेंट हो रहा है, 1 million मिल रहा है, वो तो मान लो कि डिसाइड हो गया, ओके, अभी उसके बीच में हाथ पांव हिलाना, आपको टिका के रखना, आंख बंद करना, सोना, आलस करना, ये छोटी छोटी चीजें है, वो भी डिसाइडेड होती है कि वो करने का फ्रीडम है, वो डिसाइडेड ही है। कमिंग इवेंट कास्ट देयर शैडोज बिफोर, अगर आपका हेल्थ अच्छा होना है तो कल से आप योगा स्टार्ट करोगे, बिगड़ना है तो कल से बंद कर दोगे, करते तो भी आपने ऐसा क्यों हुआ, मेरे को तो करना है, माइंड भी ऐसा हो जाएगा, एनवायरमेंट ऐसा हो जाएगा, सोशल संजोग भी ऐसे हो जाएंगे, धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट कम हो जाएगा।
ज्ञान है आपके पास, एप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि स्थूल एप्लीकेशन इज डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस एंड डिपेंड ऑन योर कर्म. सूक्ष्म एप्लीकेशन है वो आपका विजन है, वहां फ्रीडम है. स्थूल में यहां बैठे हुए सब लोग जानते हैं, लेडीज जेंट्स, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योगा फॉर अवर फिटनेस. जानते कि नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं कि वो जानते जो कर सकते हैं या सब नहीं कर सकते. तो ज्ञान होना एक अलग बात है और प्रैक्टिकल में होना वो दूसरी बात है. आप समझे? तो उसके लिए हमको संजोग चाहिए और संजोग के लिए बीज चाहिए. बीज का बीज फल कैसे आएगा? बीज वाली भी जो आप बोलते हैं कि फ्रीडम है, वो फ्रीडम भी नाम मात्र की है. वो बीज में भी तो मैं ऐसा सोचूं या वैसा सोचूं, ऐसा बीज डाल दूं. आपने बताया है पहले कि पिछले जन्म का जो आपका ज्ञान करने वाला है, इस जन्म के संजोग है और नया ज्ञान है, वो उसको प्रभावित करते हैं. और ऐसे लगता है जैसे कि वो भी कंट्रोल्ड है, पिछले जन्म का मेरा डेवलपमेंट का लेवल, इस जन्म के संजोग, ये तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं रहा. जीवन उसके बाद मैंने कुछ नया ऐसे संसार से ज्ञान अज्ञान जो भी सीखा उसमें से कुछ पार्ट अप्लाई किया, कुछ नहीं किया, बहुत थोड़ा सा शायद उसका हिस्सा होता है. बाकी तो मैं जैसा फैमिली हूँ, जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ. नया तो बहुत कम सीखता हूँ या इम्प्रूव होने की कोशिश तो बहुत ही कम होती है. तो सारे जीव करीब 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 करीब, अगर मैं अभी 100% नीम हूँ तो 99.99% ही शायद अगले जन्म में बढ़ पाऊंगा. ऑलमोस्ट वैसा का वैसा ही मैं आगे होने वाला हूँ. ये आपने बताया तभी तो करोड़ों साल से आप कहते हो हम इस संसार में घूम रहे हैं. आप जैसा ज्ञान कोई पहली बार तो नहीं मिला होगा हमको, और शायद अभी भी किया होगा. तो ये आधा अधूरा मतलब सुना भी, आधा अधूरा अप्लाई भी किया, और फिर भी वही के वही है. और जगह में तो बोलते हैं कि तुम लाखों करोड़ों बार जैन साधु बन गए या साधु बन गए, जैन साधु नहीं साधु बन गए, संत बन गए. तो ऊपर भी गए और वापस के वहां आ गए. तो फर्क तो पड़ता ही नहीं है. आपने जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता हर कोई जो साधु बना उसको तो समझ में आ जाए कि मुक्ति की वैल्यू क्या है, मुक्त होना है. ये भाव भी उसने किए, फिर भी उन भावों ने कोई काम नहीं किया, वापस आके संसार में बैठ गया. तो ये काइंड ऑफ बहुत ही फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, जो कहीं कभी लेके नहीं जाती. करोड़ अरबों जिन हमारे खराब कर दिए, आपको सुन के भी आगे हमारी क्या गति होने वाली. तो नहीं बराबर है. इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि हम जो ज्ञान सुनते हैं, तीर्थंकर भगवान के पास से भी हमने ज्ञान सुने, समर्थ पुरुषों के पास भी हमने ज्ञान सुना है पहले कहीं अवतार में. ऐसा नहीं कि नहीं सुना है, बहुत समर्थ व्यक्तियों के पास भी सुना है, अनुभवी ज्ञानियों के पास भी ज्ञान सुना है और तीर्थंकरों के पास भी सुना है. प्रश्न सुनने का नहीं है, प्रश्न हम जागते नहीं है. क्या नहीं है? जागते नहीं है. मैंने कहा ना इतना रॉन्ग सॉफ्टवेयर कितने अवसाद से सेट हो गया है. बच्चे पैदा हो गया, इसको कहा चलो मंदिर में एक साल का भगवान को फैला दो. कौन है? ये भगवान है. आरती करो, पूजा करो, जो कुछ मांगना है उससे मांगो. यानी उसमें क्या होता है, उसका मेंटल क्रिएट होता है कि भगवान यानी महावीर, यही होता है. आपने सेट कर दिया. अभी कोई कहेगा कि राम को भगवान मानो, भाई नहीं, हम तो जाइए नहीं, महावीर को ही मानेंगे. सॉफ्टवेयर सेट हो गया. आप समझे? कृष्ण को मानो, नहीं मानेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर सेट हो गया. ये तो एक अवतार की बात करता है, ये तो कितने अवतारों का सॉफ्टवेयर सेट हो गया है. हाँ, तो इसमें से बाहर निकलना वो इजी नहीं है. इसीलिए मैंने कहा एफर्ट यहां नहीं करना है, विजन में करना है, एक्शन में नहीं करना है. आज तक जितने भी धर्म का पालन किया हमने वो सब एक्शन बेस्ड था. तीर्थंकर और केवल ज्ञानियों की अगला अवतार में यही समझना पड़ा. एक अवतार नहीं, 25-25 अवतार पहले. ऐसा नहीं कि आज समझा तो कलेजा टा गया. ये जो कानूनी बात है एक अवतार में दो अवतार में मोक्ष हो जाएगा, ऐसी कल्पना सही नहीं है. सुनने में तो अच्छा लगता है, भूलने में भी अच्छा लगता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तीर्थंकरों का भी ज्ञान मिलने के बाद भी अनुभव करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा.